भोपाल के बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। सांसद प्रज्ञा एक बार फिर से अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं, जहां उन्होंने बंगाल की सीएम पर निशाना साधते हुए उन्हें पागल तक कह दिया। सीहोर में आयोजित क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में शामिल हुई सांसद साध्वी प्रज्ञा ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को पागल तक कह दिया। इसके अलावा प्रज्ञा ने अगले चुनाव में बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया है और कहा कि बंगाल भी जल्द ही हिंदू राज्य बनेगा। ममता बनर्जी पागल हो गई है, दिल मिला गई है, बौखला गई है। उसे समझ में आ गया है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है जिस पर वो शासन कर रही है। ये भारत है और भारत की रक्षा करने के लिए भारत के लोग तैयार हो चुके हैं, हिंदू तैयार हो चुका है और वो मुंह तोड़ जवाब उसको देगा। बंगाल में भाजपा का शासन आएगा, हिंदुओं का शासन आएगा और बंगाल अखंड भारत का हमारा हिस्सा है, बंगाल हमारे भारत का हिस्सा है, प्रदेश है। ये उसको अलग करने का प्रयास कर रही थी और ये हमारे देशभक्त कभी होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लगी है। अभी है तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बंगाल में कौन बाजी मारता है और किसकी जीत होती है, लेकिन एक बार फिर सांसद प्रज्ञा अपने बयान को लेकर चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज।